अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन के ब्लॉग चैनल पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दौलत शोहरत इज्जत से नवाजे मेरा मालिक। तो दोस्तों, मुझे एक हाल ही में एक कमेंट आया था कि आप सिर्फ नॉन वेज ही खाते हो, कभी वेज भी खा के बताओ। तो भाई, ये वीडियो आपके लिए है। मैंने आज वेज खा के बताई हूँ माशाल्लाह से। मैं बहुत ही प्यारी होटल में आई हूँ दोस्तों। हम लोग गाँव की जर्नी में हैं अभी, और यहाँ पर हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए। मुझे किसी ने कहा कि ये होटल बहुत अच्छा है, थोड़ा सस्ता भी है, दिख रहा जितना बड़ा जितना लग्जरियस है। मुझे लगा बिल काफ़ी सारा आने वाला है, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत ही कम बिल आया था। और यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था, और मुझे बोले हैं लोगों ने कि ये होटल में खाना खाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो हम लोगों ने सोचे क्यों ना यहाँ पर लंच करके आप लोगों के साथ भी हम लोग ये होटल शेयर करते हैं। तो दोस्तों, नीचे भी काफ़ी बड़ा होटल है माशाल्लाह, और ऊपर तो इनके एसी वगैरह है। तो उन्होंने कहा आप ऊपर जाके बैठ सकते हो एसी में। हम लोग बोले चलो ठीक है, क्योंकि नीचे तो इतनी गर्मी थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप ऊपर का भी इनका इंटीरियर देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों इनका होटल। और सर्विसेज भी इतनी अच्छी है, और साफ़ सफाई का तो पूछिए मत, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मेन्यू कार्ड भी अपने बजट में है, जैसे आपको सही लगे वैसे आप मंगा सकते हो। तो आज हमने स्पेशल मंगाया था यहाँ का पनीर पसंदा। तो यहाँ पे पनीर पसंदा जो था दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक मसाला पापड़ मंगा ली थी। हम लोगों ने सब ने पहले थोड़ा थोड़ा मसाला पापड़ खाया, जिसके ऊपर नींबू, नमक, कांदा, बारीक पीली सेव डाली हुई थी दोस्तों, बहुत टेस्टी था। और टमाटर भी डाला हुआ था इसके अंदर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पर धीरे धीरे हमारा खाना भी आना स्टार्ट हो गया था। ये जो वेटर भाई थे यहाँ पर हमारी सभी की प्लेटें लगा रहे थे। जो हमने यहाँ पे पनीर पसंदीदा मंगाए थे यहाँ पे, वो तो अमेजिंग था दोस्तों, आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ में घेहू की रोटी की थी तंदूरी बनी हुई, पूरी घेहू के आटे की तंदूरी थी माशाल्लाह, वो भी रोटी इतनी प्यारी लगी। और इनका टेस्ट तो अमेजिंग था पनीर का। पनीर का लुक ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वाकई क्या पनीर था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता रही थी मसाला पापड़ खा के, कि इनका मसाला पापड़ भी एकदम टेस्टी था, लाजवाब था। तो उतने में मैंने सोहेल को बोली मेरे के बेटा, नीचे का भी थोड़ा सा होटल का एक लुक ले ले, बहुत प्यारा मुझे लग रहा है, तो अपने व्यूवर्स को भी अपने दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं एकदम आराम से बैठी थी, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे दोस्तों, इतने एकदम थकावट हो रही थी कि जिसकी कोई नहीं। तो पूरी रात की नींद थी, और सुबह में भी थोड़ा सा गाड़ी का काम निकल गया, तो हम लोग एक गैरेज में गाड़ी लगा के यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर हमारी तंदूरी रोटी और पनीर पसंदीदा हमारा आ चुका था। तो ये देखिए पनीर का लुक देखिए माशाल्लाह, उसके अंदर क्रीम भी थी, चीज़ भी था, और इस तरीके से पनीर के दो टुकड़ों के बीच में स्टफिंग भरी हुई थी जो पनीर की ही भुर्जी की थी। और साथ ही में आजू बाजू से जो टमाटर लगाए हुए थे, माशाल्लाह इसका लुक देखिए अब इतना प्यारा लग रहा था। हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से खाना खाया दोस्तों, इतना प्यारा इनका ग्रेवी भी लगा, रोटी भी, चपाती भी बहुत अच्छी लगी। डबल से सलाद हम लोगों ने मंगे, तो डबल से हमको सलाद भी इन्होंने वैसे ही लाके दिए, और इतनी प्लेट में हम लोगों ने, चार लोगों ने भर पेट खाए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी और ठीक था। उन्होंने हमको एडवाइस दिए कि आप एक बार ये ट्राई कीजिए, क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी इतना सारा आता है कि इसमें आप चारों का भी अच्छे से पेट भर जाएगा। तो हमने बोले क्यों नहीं, यहाँ पर आज हम लोग यही टेस्ट करते हैं, आज नॉनवेज कुछ भी नहीं खाएंगे। तो हमने चावल वगैरह भी नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि इनकी तंदूरी रोटी इतनी टेस्टी लग रही थी कि हम लोगों ने, जब हमको चावल मंगाना था, हमने उसके बाद भी एक एक हमारे लिए तंदूरी रोटी ही मंगा ली है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे खाना शुरू किए, तो माशाल्लाह मुंह में जाते से ऐसा लगा जैसे पनीर नहीं क्रीम खा रहे हम लोग, इतना प्यारा इतना टेस्टी इनका लाजवाब था ये पनीर पसंदीदा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। मैं यहाँ पे सभी को प्लेटों में डाल के देने लगी थी दोस्तों, ये सभी के लिए। मैं बोली लाओ मैं ही निकाल देती हूँ फटाफट से, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी देर से भूख लगी थी। और जर्नी का जो व्लॉग है दोस्तों, हम लोग वो डालने वाले हैं अभी, जितना जल्दी होएगा उतना जल्दी हम लोग कल स्टार्ट कल डाल देंगे इंशाल्लाह। कल हम आज तो हम अकोले में टच हो जाएंगे, तो फिर कल आपको वो व्लॉग हमारा मिल जाएगा। आप वो भी देखिए, हमने घर से भी कितना सारा खाना बना के लेके आए थे, अच्छा अच्छा खाना बना के लेके आए थे दोस्तों, लेकिन वो ख़त्म हो गया था, इसलिए हम लोगों को होटल में आना पड़ा खाना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा खाना हो चुका था, और बहुत मज़ा आया खाने में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।